हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं आपकी स्वाति एंड आज का वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आई एम गोइंग टू शेयर द फर्स्ट 3 डेज डाइट प्लान जो कि आपको हर्बालाइफ में यूज़ करना है, हर्बालाइफ के साथ आई मीन। एंड बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी है कि जैसे ही आप यू नो यू स्टार्ट हर्बालाइफ फ्रॉम डे वन यू हैव टू स्टॉप एवरीथिंग एंड यू आर सपोज टू स्विच टू हर्बालाइफ, वो गलत होगा। बिकॉज हमारी बॉडी को सदियों से, जब से हमने जन्म लिया है तब से खाना खाने की आदत है, सब कुछ उस चीज़ की आदत है, तो वी आर मोर हैबिचुएटेड टू टेक सॉलिड फूड्स, राइट। एंड शेक्स जो है वो आपको फुल कर देता है, जैसे आप सॉलिड फूड लेने के बाद फील करते हो, तो वो एक लिक्विड फॉर्म है, राइट। तो सडनली आप अपनी बॉडी को क्लूलेसली एकदम कन्फ्यूज़ कर दोगे तो कन्फ्यूज़ जाएगी बॉडी, फिर आपको जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ सकती है या बहुत लोग को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ प्रोसेस। सो इसलिए आज मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हो हर्बल लाइफ के साथ तो प्रॉपरली करना ज़रूरी है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो है वेट लॉस के लिए भी काम करता है, वेट गेन के लिए भी काम करता है, फॉर मेंटेनिंग योर हेल्दी लाइफ ऑल्सो इट वर्क्स। सो अगर आपको पता नहीं है, आप 2-4 वीडियो देख के प्रोडक्ट आपने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से ख़रीद लिया है एंड यू वॉन्ट टू यूज़ इट, पहला चीज़ अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट या कहीं और से आप परचेस करते तो फेक चीज़ मिलती है, वो पहली चीज़ काम नहीं करेगी। दूसरी चीज़ कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आपको वेट लॉस करना है और आपने अपने फ्रेंड का या किसी का देख के आपने स्टार्ट कर दिया, एंड हर किसी की बॉडी वेट अलग होती है, हर किसी का स्ट्रक्चर अलग होता है, हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग मूव करता है, तो हर किसी का यूजेज भी अलग होता है। आपके फ्रेंड ने जैसा किया आप उनको कॉपी करके नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हर्बल लाइफ को यूज़ करने के लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, किस लिए, क्यों, कितना यूज़ करना है। सो आप ये दिमाग में पहले बिठा लीजिए, विदाउट नॉलेज आपको पहली चीज़ परचेज नहीं करना है। अगर परचेज करना है तो हर्बालाइफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.myherbalife.com, वहाँ पे अपना आईडी बना के आपको खुद परचेज करना है। आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट आएगा विद इन 2-3 दिन आपके घर में आ जाएगा। आईडी बनाने का मतलब ये है कि आप एकदम सेफ हैंड्स में हैं, आपको एकदम ओरिजिनली फ्रेश पैक जो है प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरी चीज़, आज इस वीडियो में जो मैं आपको डाइट प्लान बताने वाली हूँ वो सिर्फ स्टार्टिंग के 3 दिन का है, राइट। उसके बाद अगेन 4th डे से फिर चेंज होता है एंड अगेन देर इज़ अ प्रोसेस कि उसको चेंज भी करना होता है। हमने बचपन से लेके अभी तक हमारी बॉडी को एक ही चीज़ की आदत लगा दी होती है, तो इसीलिए जब हम किसी और फूड में अपने आप को स्विच करना चाहते हैं, बेशक आप अगर घर में बनाए हुए खाने के साथ भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो जल्दी हो नहीं पाता है, बिकॉज हम अपनी आदतों को छोड़ नहीं पाते। तो आज जो मैं आपको डाइट प्लान बताने वाली हूँ उस प्रकार से आप अगर फॉलो करेंगे, ओरिजिनल प्रोडक्ट लेके आप फ्लिपकार्ट से कहीं खरीद के किसी घर के आसपास वाली जगह से खरीद के अगर आप कर लेते हैं एंड उसके बाद आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो थिंक अगेन कि स्वाति ने क्या बोला था, आपको खुद का आईडी बना के ख़रीदना है एंड उसके बाद जो फर्स्ट 3 डेज है उसको पहले अच्छी तरह करना है। फर्स्ट 3 डेज में आपको जो मैं डाइट प्लान बताने वाली हूँ दैट इज़ बेसिकली योर डिटॉक्सिंग प्लान, मतलब आप अपने शरीर में अच्छा न्यूट्रिशन भेजने से पहले अपने बॉडी के अंदर की जो गंदगी है उसको आपको साफ करना है। तो वो कैसे साफ होगा, स्टार्टिंग के 3 दिन आपको सिर्फ 2 प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, प्रोडक्ट एक फ्री का एंड एक एफ्रेश। वो फ्री का प्रोडक्ट है ये पानी एंड इस एफ्रेश। सो ये 3 दिन में, मतलब ऐसा नहीं कि 3 दिन के बाद आपको इसको छोड़ देना है, फर्स्ट 3 दिन जब आप अपनी बॉडी को अच्छे से इससे डिटॉक्स करेंगे तब उसके बाद जब आप न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करेंगे तो वो फैंटास्टिकली वर्क करता है। अगर आप मेरा कहा हुआ एक एक चीज़ ब्लाइंडली फॉलो करते हैं यू विल डेफिनेटली लूज वेट। प्रोडक्ट के अलावा भी देर आर मेनी थिंग्स विच यू नीड टू रेक्टिफाई, मीन्स लाइफस्टाइल करेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं किसी को गाइड करती हूँ तो उनको जो मैं गाइडेंस देती हूँ वो उनका लाइफस्टाइल करेक्शन हो जाता है। इट्स नॉट फॉर द टाइम बीइंग कि आप हर्बालाइफ जब यूज़ करो देन ओनली। एंड बहुत लोग की ये मेरे को मैसेज मिल रहा है कि हर्बालाइफ को छोड़ देने के बाद यू अगेन गेन वेट, दैट इज़ कम्प्लीटली अ रॉन्ग क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। आज अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपका वेट क्या बड़ा हुआ जो है वो हर्बालाइफ को यूज़ करके है? नहीं, राइट। मतलब कि आपने कैलोरी इंटेक्स इतनी ज़्यादा करी है, अगर मैं भी इससे पहले मोटी थी बहुत ज़्यादा, जो मैंने अपना वेट लॉस किया है तो मतलब मेरा खाने का कोई लिमिट नहीं होता था। मेरे को अगर चावल के साथ करी कोई अच्छी लग रही है आई यूज़ टू टेक ऑन एंड ऑन,
तो अगर आप कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हो तो आपका वेट बढ़ेगा। आप हर्बल लाइफ को छोड़ने के बाद अब आप इत्मीनान से बैठ जाओगे, भाई चलो भाई अब तो वेट कम हो गया, अब फिर दबा के खाते, फिर दबा के खाओगे तो फिर तो वेट गेन होना ही है। सो यू नीड टू नो व्हाट टू कंज्यूम, व्हाट नॉट टू कंज्यूम, व्हेन टू हैव योर चीट मील एंड ऑल दैट। सो देर आर सो मेनी थिंग्स, सारा एक ही वीडियो में बता दूंगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो इसीलिए सबसे पहले चलते हैं आज का 3 दिन का डाइट प्लान जो आपको फॉलो करना है उसके साथ। तो एक और चीज़, अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए एंड वीडियो में जो है मैं कितना भी डाइट प्लान बना दूँ, जिनको मैं गाइड भी कर रही हूँ हर टाइम, उनको कुछ ना कुछ डाउट्स आते रहते हैं, जो अगर आप मेरे रेगुलर गाइडेंस में रहेंगे, अगर आप मेरी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आपके हर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को तभी हेल्प कर पाऊँगी जब आपके पास ओरिजिनल हर्बललाइफ प्रोडक्ट होगा। वो कैसे? आईडी बनाने के बाद। सो द नंबर वन पॉइंट इन द वेट लॉस प्रोसेस, आपको वेट अपना जो चेक करना है एवरी डे नहीं चेक करना है, बिकॉज एवरी डे आपका वेट लॉस नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम साइकोलॉजी जो है पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं देखती है, जो राउंड ऑफ करके जो नंबर बनता है वही देखती है। तो अगर आप रोज़ मशीन पे चढ़ेंगे वहाँ पे साइड में पॉइंट्स चेंज हो रहे होंगे, जितना भी आपका वेट है 72.34 जो भी है, पॉइंट के बाद कोई नहीं देखता, बट दैट इज़ ऑल्सो वेट लॉस। दिखता क्या है हमको? जो मेन नंबर है वही दिखता है। इसीलिए अगर आप मेन नंबर में चेंज देखना चाहते हैं तो आप वीकली एक बार चेक कीजिए अपना वेट। एंड कब चेक करना है आपको? अर्ली मॉर्निंग, आपका जब मॉर्निंग का वॉशरूम एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाए उसके बाद ही आपको चेक करना है, यानी कि मॉर्निंग का टॉयलेट एंड लू एक्टिविटीज़ पूरा ख़त्म होने के बाद एम्प्टी स्टमक विदाउट हैविंग एनीथिंग, नॉट इवन वाटर, आपको अपना वेट चेक करना है। क्यों मॉर्निंग में? बिकॉज आपने पिछले दिन जो भी खाया होता है वो आपका रात भर जब आप सो जाते हैं पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, मॉर्निंग ऑफ वॉशरूम एक्टिविटीज़ में डाइजेस्टेड फूड को फ्लश आउट कर देते हैं, तब आपका एक्चुअल बॉडी वेट कितना है वो आपको पता लगता है। तो ज़िंदगी में कभी भी वेट चेक करना है, कहीं मशीन दिख गई चढ़ गया अरे मेरा वेट बढ़ गया, 1-2 kg बढ़ गया, नहीं सोचना। सुबह सुबह जो आपने चेक किया वही करेक्ट होता है। एंड दूसरी चीज़, जिनको पीरियड्स हो रहे होते हैं, वुमेन की बात कर रही हूँ, पीरियड्स के टाइम पे आपकी जब हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, फीवर के टाइम पे, इन टाइमों पे जब भी आपके हार्मोनल चेंजेस चलते हैं उस टाइम पे अगर आप अपना वेट चेक करोगे तो आपको सही नहीं बताएगा, या तो थोड़ा ज़्यादा बताएगा या तो थोड़ा कम बताएगा। सो डोंट रिलाई ऑन दैट, ठीक है? तो वीकली वंस आप जब चेक करेंगे यू विल हैव अ पैरेलल चेंज, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ड्रास्टिक इधर उधर हो गया, ठीक है? सो दैट इज़ द नंबर वन थिंग, जब आप वेट लॉस शुरू करना चाहते हैं वेट चेक करने का टाइम एंड तरीका ये है। नंबर टू, आपको जब वेट लॉस आप स्टार्ट कर रहे हैं वेट मशीन पे ओनली चेक करना काफ़ी नहीं है, आपको अपने इंचेस भी चेक करने हैं कि आपकी चेस्ट कितनी है, आपके हाथ का साइज़ कितना है, आपका पेट कितना है, आपकी कमर कितनी है एंड आपके थाइस कितने हैं, बट्स कितने, इन सब का आप इंच टेप से एक बार साइज़ लेके लिख लीजिए। एंड नेवर डू राउंड ऑफ, अगर 12.5 आ रहा है तो राइट इट 12.5 या 10, जितना भी आ रहा है उतना, डोंट मेक इट जस्ट 12, बिकॉज जब आपका बॉडी में मास भी कम होता है, जो वेट लॉस होता है उसमें एकदम से kg-kg सारा अगर कटने लगा हर हफ्ते, तो मतलब इंसान तो इतना लूज़ करेगा कि एक महीने में उड़ ही जाएगा, वो इतना हल्का हो जाएगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एवरी ग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट, 10 grams, 20 grams, वॉट एवर इट इज़, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी माइन्यूट इंच या जो मिलीमीटर जो होता है ना वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अपने मेजरमेंट्स भी आप नाप के पहले दिन रखिए व्हेन यू एंटर इनटू द वेट लॉस प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज वेट लॉस इज़ नॉट जस्ट द प्रोसेस ऑन द वेटिंग मशीन, बट इज़ ऑल्सो अबाउट इंच लॉस। हर किसी का ओनली वेट लॉस नहीं होता है, बहुत फास्टली नहीं होता है, किसी किसी का इंच लॉस फास्ट होता है एंड वेट बाद में वेट लूज होता है। तो अगर आप एक हफ्ते में अपना वेट चेक कर रहे हैं एक हफ्ते के बाद में, तो अपना वेट भी चेक कीजिए एंड आपने पिछले हफ्ते जितना आपका इंचेस नापे थे इस हफ्ते नापने के बाद अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा चेंज आता है, दैट इज़ अ गुड सिग्नल दैट यू आर लूजिंग योर वेट। नंबर थ्री पॉइंट एंड मेजर चीज़ जो है, पानी का इंटेक, आपको पानी कितना पीना है। आपका जितना भी वेट है एवरी 20 kg, हर 20 kg के लिए 1 liter पानी ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप 60 kg के हैं, यानी कि आपको 3 liter पानी पक्का पीना है विदाउट फेल, नो कॉम्प्रोमाइज़, नो एक्सक्यूजेस कि नहीं पी पाए। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं
तब भी अगर आप वेट लॉस नहीं भी कर रहे हैं, तो अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, आपको यहाँ पे मतलब ऐसे जलन सी हो रही है और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, इन सब का रीज़न नॉट टेकिंग प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर, ठीक है। तो प्रॉपरली आपको वाटर इनटेक करना है। अगर आप 100 केजीज के हैं तो दैट मीन्स आपको 5 लीटर पानी पीना है। बच्चों को कितना पीना है, अभी जो बच्चे हैं अपने फर्स्ट सेकंड क्लास में अगर हैं, अगर वो 20 केजीज के हैं, यानी कि उनको एक दिन में 1 लीटर पूरा पानी पीना ही है किसी भी हालत में। अगर आपके बच्चे 40 केजी के हैं तो 2 लीटर पानी। अगर आप 120 केजीज के, यानी कि 6 लीटर, आपका जितना भी वेट है 20 केजीज के लिए 1 लीटर पानी जाना चाहिए। अब आप कैलकुलेट कर रहे हो, हर कोई बैठ के जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि आपको कितना पीना है। अगर आप उतना पी रहे हैं तो आपका जो है बहुत अच्छी तरह वेट लॉस होगा। दूसरी चीज़ कि आप जब वाटर इनटेक लेते हैं, आपको एक ही साथ एक एक बॉटल को नहीं घटक लेना है अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए, राइट। आपको ये नहीं करना है कि भैया मेरे को, अच्छा चलो मेरे को 4 लीटर पीना है, मैं सुबह से एक बॉटल भरती हूँ और पी लेती हूँ। ऐसे नहीं पीना है आपको। एवरी हाफ एन आवर, जब से आप उठते हो तब से एवरी हाफ एन आवर 1 आवर एक 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 ग्लास इस बॉटल को भर के रखो। 1 लीटर की बॉटल है, ग्लास में डाल डाल के आप एक एक ग्लास पीजिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमको बॉडी में वाटर को एब्जॉर्ब करवाना है। अगर आप एक ही साथ पूरा 1 लीटर पानी पी लेंगे तो क्या होगा, आपने ऐसे डाला एंड बॉडी को एट ए टाइम ओनली एक ग्लास वाटर की ज़रूरत होती है, तो बाकी वाटर जो है हमने खाली टंकी में चढ़ाया है, इट इज़ नॉट फॉर एब्जॉर्प्शन। तो क्या होगा, आपको 5 मिनट में जो है टॉयलेट आ जाएगा एंड यू हैव टू रन इन द वॉशरूम। तो ऐसा हमको टंकी में नहीं चढ़ाना है, हमको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कराना है, क्योंकि जब हम प्रॉपर इंटरवल्स में पानी पीते हैं, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होके हर ऑर्गन एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह काम करता है। सो वाटर प्लेज अ मेजर मेजर रोल। एंड पानी को आपको रात को 9-10 बजे तक नहीं पीते रहना है अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 80 केजीज के हैं या 70 केजीज के, आपको 4 लीटर पानी पीना है, ठीक है। अब 4 लीटर पानी आप सुबह से पीना भूल गए एंड आपको याद आया अरे मेरे को दोपहर से तो कंप्लीट करना है, तो आपका 4-5 बजे तक 3 लीटर हो गया या 2.5 लीटर हो गया, एंड बाकी आप 9 बजे तक कंप्लीट कर रहे हो, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। वेट लॉस में जो है आपको हेल्दी रहना ज़रूरी है। अगर आप 10 बजे तक पानी पीते रहोगे तो रात भर आप जो है सुसु जाते ही रहोगे, टॉयलेट आती ही रहेगी। सो इवनिंग में 7 o'clock तक आपको अपना वाटर इनटेक ख़त्म कर देना है, जो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट है। खाना वाना खाने के बाद नॉर्मल जो आपको थोड़ा प्यास लगता है या जो दिल करता है, दैट इज़ जस्ट वेरी लिटिल क्वांटिटी, जो आप सोने से पहले कैसे भी वॉशरूम जाएंगे दैट विल बी एनफ। तो इससे क्या होगा कि आप रात भर विदाउट डिस्टर्बेंस आराम से सो सकते हैं, ठीक है। अगर आप देर तक पीते रहेंगे तो योर साउंड स्लीप विल गेट डिस्टर्ब, और उससे क्या होगा, आपको अगले दिन जो प्रॉपरली आप जो भी कुछ करना चाहते हो, आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा। जब नींद प्रॉपर नहीं है, बार बार उठ रहे हो, तो आपके नेक्स्ट दिन की पूरी एक्टिविटीज़ जो है ख़राब हो जाएगी। तो वाटर इनटेक अगर आप प्रॉपर करते हैं एक करेक्ट टाइम तक, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, आपको नींद भी करेक्ट टाइम पे आ जाती है एंड डिस्टर्ब नहीं होती है। सो ये जो पानी के बारे में ये जो तीसरा पॉइंट था, दिस इज़ वेरी मेजर पॉइंट, आप उसको जितना परफेक्टली फॉलो करेंगे, बाकी जो आपको मैं बता रही हूँ आपको बहुत ही उमदा रिजल्ट्स मिलेंगे। नाउ कमिंग टू एफ्रेश, इट इज़ योर काइंड ऑफ टी। आपको अगर चाय पीने की आदत है, जब आप इसको पीना शुरू कर दोगे ना, इसको कैसे पीना, एकदम गरम गरम पानी में, जैसे अपन लोग चाय पीते हैं ना वैसे पीना है। एंड जब आप इसको पियेंगे तो आपको एकदम चाय से भी धीरे धीरे, मतलब पहले 2-3 दिन में या 1 हफ्ते में आपको नहीं लगेगा, लेकिन ग्रेजुअली यू विल फील, यू विल नॉट हैव दैट क्रेविंग टू कंज्यूम टी। बट फिर भी अगर आप लेना चाहते हो, देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि आपको नहीं पीना चाहे, लेकिन लोटा भर भर के 5-6 बारी तो नहीं पीना है। एक दिन में अगर आपको चाय भी पीना है, इफ़ यू आर वेरी मच हैबिचुएटेड, आप 100 ml तक की चाय पी सकते हो पूरा मिला के, ठीक है, विथ लिटिल शुगर। सो दैट एग्जेम्पशन इज देयर। देखिए, कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा, लाइक देर इज़ नो गेन विदाउट पेन। तो आपको अपनी आदतें सुधारनी है, जब आपको सुधरी हुई आदतों की आदत लग जाएगी, देन यू विल लीड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड वो आदतें आप हमेशा लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते। तो एफ्रेश क्या काम करता है, एफ्रेश पहली चीज़ कि आपकी बॉडी में डिटॉक्सिंग करता है, जो भी टॉक्सिन है अंदर, जो भी गंद है उसको निकालने में आपकी हेल्प करता है, प्लस आपकी एनर्जी बूस्ट करता है, एंड उसके अलावा आपके मेटाबॉलिज्म को भी और इंक्रीज करता है। एंड वेट लॉस में ऑल दीज 3 थिंग्स आर वेरी मच नीडेड। अगर आपको वर्कआउट करना है, आपको कुछ भी करना है, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो आपको मेटाबॉलिज्म भी जब फास्ट होगा, आपका वेट लॉस भी फास्ट होगा। डिटॉक्स करता है तो आपके बॉडी का इसके थ्रू कचरा निकलता है। तो पहले 3 दिन हम जब जो है इंटरनल सफाई इसी से करेंगे, एंड बाद में भी एवरीडे वी विल यूज,
बट फर्स्ट 3 डेज मैंडेटरी आपको इसको यूज़ करना है। तो जब आप एफ्रेश लेते हैं आपको अपना डे एफ्रेश के साथ स्टार्ट करना है, ठीक है। योर वॉट एवर टाइम यू आर गेटिंग अप 6, 7, 8 द फर्स्ट ड्रिंक आफ्टर योर वेट चेकअप, मतलब एवरी डे नहीं, अगर आप वेट लॉस शुरू कर रहे हैं आपने अपना वेट चेक कर लिया, आपका सुसु पॉटी सब हो गया, उसके बाद आपको सबसे पहले इसको 250 ml जो आपका ग्लास होता है गरम गरम एकदम पानी में ये जो है 2 स्पून डाल लेने हैं। 2 स्पून मतलब इसी के अंदर आता है ये पिद्दूसा स्पून, ठीक है। इस स्पून से आपको डालना है एंड ये देखिए मैंने अभी इसमें लिया है तो दिस इज़ कम्प्लीटली लेवल्ड, इसके ऊपर पहाड़ नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं इस तरह से लेते हैं, इसके ऊपर पहाड़ बन गया। सो क्वांटिटी जो है गलत नहीं होनी चाहिए बिकॉज हर चीज़ का एक कैलकुलेशन है। तो इस स्पून को आप एक ग्लास में जो है 2 स्पून लेवल करके आप एक गर्म पानी में, एक ग्लास गर्म पानी में डाल के सुबह सुबह 1 ग्लास या 2 ग्लास में डाल सकते हैं। मॉर्निंग टाइम पे आप अपना गर्म पानी से अगर डे स्टार्ट करते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म बूस्ट बहुत अच्छी तरह बूस्ट होता है और वेट लॉस बहुत अच्छी तरह होता है, ठीक है। इसलिए गर्म पानी में आप ये डाल के शुरू करेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी गुड। सो पहला जो है आप अपना ड्रिंक सुबह 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 एकदम पीने के बाद में नेक्स्ट ड्रिंक आपका जो ये जो एफ्रेश है वो आप पियेंगे 10 से 11 बजे के बीच में, विच इज़ योर एक्चुअली स्नैक टाइम, ठीक है। एंड हर टाइम एवरी टाइम यू आर एडिंग 2 स्पून विच इज़ गिवन इन इट। एंड तीसरा आपका एफ्रेश जो है शाम के 4 से 5 बजे के बीच में। एंड उसके अलावा वाटर इंटेक जो मैंने आपको बताया वो आपको एकदम प्रॉपरली करना है, इसको एकदम प्रॉपरली करना है। तो देखिएगा आपको 3 दिन में, आपने डे 1 पे जो आपका वेट चेक किया है, 4th डे की मॉर्निंग में आपके वेट में डिफरेंस आ चुका होगा, सीरियसली आ चुका होगा। यू कैन चेक दैट व्हेन यू विल स्टार्ट, ठीक है। अगर अभी तक आप गलतियां कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के आप सुधार सकते हैं। एंड डाइट चार्ट में इसके अलावा जो आपके खाने पीने की आदतें, आपका नाश्ता लंच एंड डिनर, वो आप जो खाते हैं वही खाइए, बट मेक श्योर कि उसमें ऑयल फ्राइड जो आइटम्स होते हैं वो आप नहीं लें एंड बेकरी आइटम्स को अवॉइड करें और जो भी मैदे से बने आइटम्स होते हैं उनको अवॉइड करें, बिस्किट्स को अवॉइड करें। सो जो उसके अलावा जो भी आपके घर की बनाई हुई चीज़ हैं वो आप खाते रहिए। तो 3 दिन में आपके वेट में बहुत ही फंटास्टिक आपको, मतलब 3 दिन में अगर आपका वेट लॉस जो हो रहा है 1 kg भी हो रहा है या 0.5 kg भी हो रहा है, यू विल फील वेरी हैप्पी, आपको एक पॉजिटिव वाइब आएगी ताकि आप हर्बल लाइफ के साथ आगे के जो प्रोसेस है और अच्छी तरह आपको मोटिवेटेड लगेगा और आप उसको और अच्छी तरह प्रॉपरली फॉलो करेंगे। आई होप ये फर्स्ट वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी डाइट प्लान का जो पहले 3 दिन का है काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल लगा है एंड यू वॉन्ट मी टू बी योर कोच तो आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको तभी हेल्प कर सकती हूँ जब आप ओरिजिनल प्रोडक्ट लेंगे। अगर आप कहीं और से, मैं ये रिपीटेडली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग कॉल करते हैं एंड जिन्होंने प्रॉपरली आईडी बना के अपना परचेज किया है प्रोडक्ट, मैं उन लोगों को भी गाइडेंस दे रही हूँ। और इतने सारे अगर कॉल्स आएंगे इट विल नॉट बी जस्टिफाइड कि जो फेक प्रोडक्ट के लिए अगर मैं गाइडेंस दूंगी तो कोई मतलब नहीं है, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ ओरिजिनल प्रोडक्ट लीजिए। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम ओरिजिनल ही ले रहे हैं, हमारे घर के बाजू में कोई डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहे हैं, तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने भी जो है आईडी बनाया हुआ है वो भी उधर से ही खरीद के आपको दे रहे हैं। बट क्या है, जो आईडी बनाता है उनको डिस्काउंट आता है एंड अगर आप एज अ कस्टमर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं तो डिस्काउंट उनको जाएगा, आपको वो रिटेल प्राइस पे ही देंगे, ठीक है। जितना भी आ रहा है डिस्काउंट पूरा उनको जाएगा। सो इसीलिए आप अपनी आईडी बना के खुद परचेज करेंगे तो वो डिस्काउंट आपको ही आएगा, वेरी सिंपल, है ना। जब ऑप्शन अवेलेबल है, फ्री में आईडी बनाना फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, तो आप वो स्टेप क्यों नहीं लेते। तो अगर आप आईडी बना के जो बेसिक पैक है वो लेते हैं उसके साथ शुरू करना चाहते हैं तो दिस वे यू कैन स्टार्ट। एंड मेरा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको क्या करना है सारा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी मच हेल्पफुल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।